तो बिहारियों के भावनाओं के साथ तो हर जगह खिलवाड़ होता है और हम लोग हैं कि बिहारियों के साथ हर जगह खड़े मिलेंगे। सीआरपीएफ के जवान ने बोला क्या कि मेरे पास सर AK-47 है, आप यहीं पर रिपोर्टिंग करो, अगर कोई आएगा तो उसको उतार देंगे। हम वहाँ के अब आतंकवादियों में खौफ है कि अगर कुछ करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, इसीलिए बिहार के चीनी मिल को बर्बाद किया जाता है और बिहार के मजदूरों से जो है ना देश का काम कराया जाता है। इस वक्त देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट पे हूँ और हमारे साथ क्रांतिकारी पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, उनकी माता जी हैं और उनके सहयोगी इस वक्त आदित्य जी हैं, मैनेजर साहब हैं। और ये लोग विगत 10-15 दिन से 2-3 राज्यों के भ्रमण पे निकले हुए थे, दिल्ली, इसके बाद जो है मुंबई भी गए हुए थे और जो है जम्मू से होके आ रहे हैं। पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे, दिल्ली में जो हुआ बिहारियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ छठ पे, उसके ऊपर क्या कहना है आप, इतना वहां पर गर्जे बरसे, उसका कुछ असर पड़ा जो है राज्य सरकार के ऊपर वहां की? देखिए, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं और छोटा आदमी हूं, बस मैं जिसके खिलाफ वीडियो बनाता हूं वो देखता जरूर है। केजरीवाल के खिलाफ बनाया था, केजरीवाल ने देखा बस, और जिस मुद्दे पे बोला था केजरीवाल जी को पता चल गया कि अगली बार से बिहारियों को छेड़ेंगे तो बिहारी उनको छोड़ने वाले नहीं है, और उसके बाद से असर ये हुआ कि थोड़ा बहुत व्यवस्था भी किया गया और केजरीवाल सरकार ने ये बोला कि अगले साल से जो है ना किसी भी प्रकार की का प्रतिबंध जो है ना छठ पूजा पे नहीं लगाया जाएगा, और केजरीवाल सरकार ने ये भी बोला कि छठ पूजा पे प्रतिबंध हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो ये चीज है, तो बिहारियों के भावनाओं के साथ तो हर जगह खिलवाड़ होता है और हम लोग हैं कि बिहारियों के साथ हर जगह खड़े मिलेंगे। आप जम्मू भी गए थे, 370 के नाम पर केंद्र सरकार बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटती है, 370 हटाया, हमारे जवान आज शहीद नहीं हो रहे हैं, आप पुलवामा अटैक वाली जगह पर गए थे, क्या बदला है, तब से कुछ बदलाव हुआ या 370 के? केंद्र सरकार से लगातार सवाल करता हूं, आप देखते हैं अभी मोदी जी को बिहार के विकास पे मैंने, लेकिन जो छूट मिली है वहां पे हमारे जवानों को वो मतलब काबिले तारीफ काम है और उसके लिए जो है ना केंद्र सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। 370 के बाद जो है बहुत, लेकिन देखिए समस्या क्या है कि वहां के अब आतंकवादियों में खौफ है कि अगर कुछ करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, ये चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि 370 के नाम पे और कुछ छूट के नाम पे आर्मी के जवानों की भी कुछ छूटें जो है ना वो बंद कर दी गई, जैसे कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी आर्मी के जवानों को जो दिया जाता था और जितना छूट मिलता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का पेंशन बंद हो गया, तो केंद्र सरकार को ये सारा काम चालू करना चाहिए तब जो है हम लोग मानेंगे कि जैसे कि बिहार के लोग अन्य राज्यों में काम धाम की तलाश में जाते हैं, और मैं पीछे समस्तीपुर था, वहां पर ऐसी तमाम हमको चीनी मिल मिली जहां पर बंद कर दिया गया, यानी जब रोजगार उत्पन्न करने का जरिया ही नहीं रहेगा तो बिहार और यूपी के लोग कहां जाएंगे? मैं बताता हूं, हिंदुस्तान में सबसे पहला चीनी मिल जो है ना बिहार में बनाया गया, सबसे पहला चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल बिहार का, हिंदुस्तान का सबसे प्रीमियम क्वालिटी का चीनी मिल आज के समय में भी चंपारण का रामनगर चीनी मिल है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का, रिकवरी रेट गन्ने का सबसे बढ़िया जो है ना वो महाराष्ट्र, उससे बढ़िया जो है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर वो सेम बीज को इंप्लीमेंट किया जाए बिहार में तो वाटर रिसोर्सेज बिहार में दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो सबसे बढ़िया रिकवरी जो है बिहार का आएगा, लेकिन जानबूझ के बिहार के चीनी मिलों को बर्बाद किया जाता है, बिहार में एक चीनी मिल को बर्बाद किया जाएगा ना तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और दूसरे जैसे जगहों पे जो है ना 10 चीनी मिल चलाएंगे बिहार के मजदूर, तो इसीलिए बिहार के चीनी मिल को बर्बाद किया जाता है और बिहार के मजदूरों से जो है ना देश का काम कराया जाता है। कहीं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के राज्य सरकार ही जो है सरकारें हैं वो बिहारियों को जो है शिक्षा ना दे पाने में असमर्थ है और इसके बाद जो है रोजगार के लिए भी वो लोग दर दर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों का दोष, बिहार के लोगों का भी दोष है, सरकार का दोष है, मैं मानता हूँ, मैं तो सरकार से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा काम कहाँ करेंगे। 16 साल से रिकॉर्ड मुख्यमंत्री है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम पे है कि 16 साल में 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है इन्होंने, 7 बार काहे लख हम लोग इनको मौका दिए हैं, इसीलिए अच्छा किए 7 बार, कुछ अच्छा किए होंगे तभी ना 7 बार मौका दे दिए हम लोग। डर नहीं लगता है इतना खतरनाक एयरपोर्ट पे हर 10वें दिन लैंडिंग करते हैं, टेक ऑफ टेक ऑन करते हैं, डर वर नहीं लगता? नहीं डर लगता, हम बिहारी है ना, हम कहीं भी चले जाएंगे, अभी हिमालय के गोद से आ रहे हैं, अनंतनाग जो आतंकवादियों का गढ़ है, जब वहाँ पे मैंने गाड़ी वाले को रुकवाया तो गाड़ी वाले ने बोला कि यहाँ पे मत रुकिए सर, हम बोले यहीं पे रुकेंगे,
तब सीआरपीएफ के जवान से बातचीत हुई मेरी, वो पहचान गए। सीआरपीएफ के जवान ने बोला क्या कि मेरे पास सर AK-47 है, आप यहीं पे रिपोर्टिंग करो, अगर कोई आएगा तो उसको उतार देंगे हम पूरा का पूरा। सीना चौड़ा करके, और सीना चौड़ा करके अनंतनाग के वो हवाई पट्टी जो सबसे डेंजर एरिया है उसके दोनों साइड गाँव है, और वहां पे मैं खड़ा होकर अपने सीआरपीएफ के जवान के दम पे जो है ना वहीं पे रिपोर्टिंग किया। पुलवामा में भी रिपोर्टिंग किया, लेकिन पुलवामा में हम लोग रुक नहीं पाए, इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि उस समय जो है कन्वाई चल रहा था, आर्मी की गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, इसलिए नहीं रुक पाए, नहीं तो पुलवामा में भी मैं रुक के जो है वहां पे रिपोर्टिंग करता, और फिर समय मिलेगा तो फिर कश्मीर जाएंगे। अब एक सवाल राजनीति से लेंगे, चाणक्य ने कहा था जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का और विश्व का उद्धार नहीं होगा। आपके मित्र थे जो है विपिन सर, चुनाव जीत गए, मुखिया बन गए हैं, और आपने भी फेसबुक पे बड़ी बधाई दी थी, अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा, और मुझे इस बात का गर्व है कि विपिन यादव सर जो है चुनाव जीते हैं, और मैं उनके गांव में भी गया हूं, बहुत बार मिला भी हूं मैं उनसे, और अगर थोड़ा बहुत तो गलती सबसे होता है और भविष्य में शायद उनसे भी हो जाए, लेकिन औरों से लाख गुना अच्छा काम करेंगे वो, क्योंकि एक युवा है, एक शिक्षित है, शिक्षित व्यक्ति है, और उसमें भी एक शिक्षक है, तो वैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और जब वैसे लोग आगे आएंगे तब जाके बिहार का भला होगा, बिहार का विकास होगा। लगता है विपिन सर अच्छा करेंगे? अच्छा करेंगे नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत आभार मनीष जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया मित्रों, शुभकामना, धन्यवाद।